यूट्यूब के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से वालेकुम प्यारे दोस्तों हाजिर हैं नए प्रोग्राम के साथ और आज का जो टॉपिक है ये भी बड़ा अहम और बड़ा ख़ास टॉपिक है इसको आप जितना ज़्यादा जनी बार बार देखेंगे तो आपकी समझ में आएगा कि ये है क्या असल में ऐसा है कि बहुत से लोग अपने हाथ में स्टार देख लेते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि जी हमारे हाथ में स्टार मौजूद हैं लेकिन स्टार बहुत अच्छी चीज़ है बहुत अच्छी चीज़ है लेकिन कुछ जगहों में ये स्टार अच्छी चीज़ नहीं है कुछ जगहों में यानी स्टार अच्छी चीज़ नहीं है जहाँ पे अच्छा होता है और जिस जगह ये बेहतर होता है उसके बारे में हम टॉपिक कर चुके और आपने देखा होगा वो टॉपिक और आप सीख भी चुके होंगे लेकिन आज जिस स्टार की मैं बात कर रहा हूँ ये स्टार ऐसा है कि खुदा ना करे कि ये स्टार आपके हाथ में आज इस मौजू पे बात करना इसलिए भी ज़रूरी मैंने समझ रहा हूँ कि इंडिया से कई कॉलें ऐसी आई जी इस मौजू पे आपने बात नहीं की अच्छा जी बात कर लेते हैं और फिर एक ने तो यहाँ तक कहा हमारी इंडिया से बहन ने कि जी आपको ये जो स्टार है मेरे हाथ पे ये बचपन में कोई फ़क़ीर होते ना जिससे मांगने वाले बोला वो आया था मैं छोटी थी तो मेरी अम्मा को उस फकीर ने बताया था कि ये बच्ची बड़ी लकी होगी लेकिन अकबर भाई हमारे तो घर के हालात ही बहुत बुरे हैं और यकीन करें जो भी काम करते हैं वो परेशानी में लग जाता है और दूसरा घर में बीमारी है वालदा हमारी जो है वो अक्सर बीमार रहती है वालद सब हमारे बीमार रहते हैं बाई हैं उनका काम है नहीं हम जो ना थोड़ा बहुत कमाते हैं और मिट्टी के बर्तन होते हैं ना जैसे मिट्टी के बर्तन तो वो कह रही कि हम वहाँ का काम का का करते हैं हमारा आबाई काम है कुम्हार का काम का करते हैं आबाई काम है लेकिन जितने कमाते हैं उससे कई गुना ज़्यादा खर्च हो जाते हैं और आज तक इकट्ठे हमने दस हज़ार नहीं देखे पूरी लाइफ में इकट्ठे दस हज़ार कैसे होते हैं कितने होते हैं हमने नहीं देखे क्योंकि हम 600 700 हज़ार बारह सौ कमाते हैं मिसाल दिहाड़ी कमाई तो जाके वालदा की दवा ले ली 100 200 रुपए की दो तीन सौ की वालद की दवा ले ली और बाकी बचे हुए पैसे से कुछ राशन ले लिया सारी ज़िंदगी इस तरह गुजर गई क्या आके ज़िंदगी भी ही गुजरेगी हालांकि जो उस फ़कीर ने कहा था मांगने वाले ने कि ये बच्ची बड़ी खुश नसीब होगी तो खुश नसीब कहाँ से शादी हुई शोहर जो था वो नशा करता था मार कुटाई की मारा पीटा और दो बच्चे जब हुए तो उसके बाद उसने तलाक दे दी और दूसरी जगह शादी कर ली तो मुझे तो कहीं पे इस स्टार ने कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाया जिसके बारे में उस मांगने वाले या फ़कीर ने कहा था कि बच्ची बड़ी लकी होगी तो ज़रा आप देखें वो स्टार मेरे हाथ में मौजूद है क्या मेरे लिए कुछ आगे अच्छा होता हुआ नज़र आता है या नहीं तो इसके बारे में ज़रूर पता है देखें बहन सबसे पहली बात ये है कि ये है ज़िंदगी की लकीर ये ब्रेन लाइन ये हार्ड लैन ये जनी दिमाग की लकीर है और ये दिल की लकीर ठीक है और ये किस्मत की लकीर है आपके हाथ में यहाँ पर स्टार मौजूद हैं यहाँ पर स्टार मौजूद है और यहाँ पर स्टार अच्छी अलामत नहीं समझा जाता यहाँ पर जो स्टार होता है ये जो मैंने बनाया है ये अच्छी अलामत नहीं होता जरूरी नहीं कि वह हाथ में ऐसा हो ऐसा भी हो सकता है ठीक है ऐसा भी हो सकता है हाथ एक क्रास भी हो सकता है इस तरह का यह अच्छी अलामत नहीं होता लेकिन इसको अच्छी अलामत बनाया जा सकता है और वो किस तरह वो इस तरह से कि सबसे पहले आप तोबा इस करें और अल्लाह के इससे रुझू करें अल्लाह की इबादत करें जब आपको टाइम मिले अल्लाह का जिक्र करें अल्लाह की इबादत करें इन ये स्टार अपनी साख खो देगा यानी जितना नुकसान पहुंचा रहा है ये जितना नुकसान पहुंचाएगा उससे आप बाहर आ जाएंगी एक तो ये करें दूसरा अल्लाह आपको हिम्मत दे ताकत दे तो अगर आपके घर में छत पे या नीचे कहीं भी जगह अगर खुली है तो उसमें दो चार रुपए का बाजरा वगैरह लेके आप परिंदों को दे दिया करें परिंदों के आगे डाल दिया करें तो इन शह आप देखिएगा कि चार से पाँच माह में आपके हालात में कैसे तब्दीली आती है जहाँ पे आप बारह सौ रुपये दिहाड़ी कमाती हैं वहाँ पर आप इन 2000 हज़ार तक जाएंगी और ये जो अमल है इसको छोड़ना नहीं है। और इसके बाद तोबा स्तफार तो जब आपको टाइम मिला करें चलते फिरते भी पढ़ती रहा करें और रात को सोने से पहले भी पढ़ के सो जाया करें तो इनशा 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 बहुत अच्छा वक्त आएगा और अगर आपने ये सब कुछ ना किया तो ये स्टार आपके लिए मुश्किल पैदा कर देगा जैसा कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी डिस्टर्ब कर दी अब वो बच्चों का बोझ भी आपके ऊपर है माँ बाप का बोझ भी आप पर है ये सारी जिम्मेदारियाँ ये सारी चीज़ें आप पर हैं लेकिन जो अमल मैंने आपको बताया अगर पाबंदी से आपने ये अमल किया तो तीन से छः माह में अपने हालात को बदलते हुए आप ख़ुद अपनी आँखों से देखोगी और फिर हमें फ़ोन करके ज़रूर बताना कि अकबर भाई आपके जो अमल है वो हम कर रहे हैं ऐसा स्टार किसी दोस्त के हाथ में किसी बहन के हाथ में किसी बच्ची के हाथ में ये अच्छी अलामत नहीं होता तो अल्लाह ताला हमें मुश्किलों से बचाए परेशानियों से बचाए अल्लाह सब के माल और इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमाए तो प्यारे दोस्तों ये था हमारा आज का प्रोग्राम ये था हमारा आज का टॉपिक इसके साथ ही शुरू करते हैं सवाल और जवाब का सिलसिला किन्दा शाइन ने सवाल किया जलम से कि मेरा एक निकाह हुआ रुखसूति से पहले ख़त्म हो गया फिर एक मंगनी हुई होकर ख़त्म हो गई ये देख कर बताएँ कि मेरी शादी में क्या मसला है क्यों मेरी शादी नहीं होती और क्यों ये रुकावटें हैं हाथ की लकीरों के हिसाब से तो जो रुकावटें हैं ये वकती हैं इनमें किसी का अमल दखल नहीं है ये सारे कुदरती मामलत हैं और आपकी शादी 2014 के नौवें आठवें या नौवें माह में होने के चांस हैं और शादी अच्छी रहेगी अरसलान ने सवाल के ज़ोरा बात से कि मैं हर वक्त किसी न किसी टेंशन किसी न किसी मसाइल में रहता हूँ इसकी वजह क्या है सबसे पहली बात तो यह है कि आपके हाथ में जो दिल की लकीर है बहुत ज़्यादा कमज़ोर है कमज़ोर लकीर वाले जो लोग होते हैं वो किसी न किसी परेशानी या किसी न किसी मामला में हर वक़्त उलझे रहते हैं ठीक है ना ये अहसास पने की अलामत है आप कोशिश क्या करें लाहौल वाला कोता बिलािम जो है इसकी आप तस्वीर पढ़ा करें इंशाल्लाह आपको ये वहम और वसवसे से जो हैं ये ख़त्म हो जाए और बहुत सी ख्वाहिशें पूरी होने के चांस भी हैं लेकिन कोशिश करें कि पाबंदी से लाहौल वाला कोता बिलािम पढ़ते राशा जावेद ने सवाल किया मुल्तान से ये बताएँ कि मेरी शादी कब होगी और शादी के बाद की ज़िंदगी कैसे होगी और हालात कैसे रहेंगे हाथ की लकीरों के हिसाब से आपका आने वाला वक्त इन शाला अच्छा है और जो मामूली जो परेशानियाँ और मुश्किलों का सामना है इन शह इससे छुटकारा मिलेगा अब्दुल अजीज़ ने सवाल किया बाबुल नगर से कि ये बताएं कि मेरी शादी कब होगी और कहाँ होगी आपकी शादी दो हज़ार चौबीस में होगी और शादी खानदान में होगी और शादी इन श्रह कामयाब अनमोल अहमद ने सवाल के फैसलाबाद से कि मेरी ज़िंदगी की लकीर बहुत छोटी है और उस पर क्रास के निशान भी हैं इसका क्या मतलब है ज़िंदगी की लकीर छोटी होने कोई मतलब नहीं और जिस तरह आपके हाथ में बारीक है यह लंबी लकीरों से बेहतर लकीर है और जहाँ पे क्रास के निशान हैं ये एक अच्छी अलामत है और जनि मुश्किल वक़्त में परेशानी से निकलने की अलामत जाहिर करते हैं मज़र हुसैन ने सवाल किया उकाड़ा से कि यह बताएँ कि मेरी किस्मत कैसी है हाथ की लकीरों के हिसाब से अल्लाह के फज़ल से आपकी किस्मत अच्छी है और आपका आने वाला वक्त भी बहुत अच्छा और बहुत बेहतर होगा सना ने सवाल किया असन अब्दाल से कि सात माह हो चुके हैं मेरी शादी को ये बताएं कि मेरी औलाद कब होगी हाथ की लकीरों के हिसाब से आपके हाथ में औलादें भी हैं और आपके आने वाले वक्त में कुछ प्रॉब्लम और मसाइल भी नज़र आते हैं उसके लिए कोशिश करें कि हज पे तोफ़ी सदका दिया करें और कोशिश करें दरूद ब्रह्मी को कसरियत से पढ़ा करें नसरीन ने सवाल किया हज़ारा से कि ये बताएँ कि मेरी शादी कब होगी जब भी शादी की कोई बात होती है कोई मामला बनता है बनकर बिगड़ जाता है देखिए नसीीन साहब आपके हाथ में जो शादी की लकीर है कोई ख़ास अच्छी लकीर नहीं है आगे चल के अगर बन जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता मौजूदा टाइम पे जिस तरह की लकीर मौजूद है इस तरह के मामलों में कुछ होता हुआ नज़र नहीं आता हाँ अगर आप इसमें बेहतरी चाहती हैं तो आप कोशिश करें सूर्य फातिया को कसर से पढ़ा करें इन शाला अल्लाह रास्ते बनाएगा और बेहतर रास्ते बनाएंगे हाँ। इल्सा ने सवाल किया मेरेपुर खास से कि ये बताएं कि मेरी शादी कब होगी आपकी शादी आने वाले नए साल में होगी और अल्लाह के फजल से शादी कामयाब रहेगी मोहब्बत या लिंक का जो सिलसिला है उसमें कामयाबी के चांस कम है एन एस ने सवाल किया लाहौर से कि मैंने किसी पामिस्ट को हाथ दिखाया था उसने कहा था कि तुम बाहर चली जाओगी और कामयाब हो जाओगी हालांकि जिससे मेरी मंगनी हुई है वो जो ना पान शॉप चलाता है और ये बताएं कि मेरी शादी वाकई क्या ऐसा ही होगा कि मैं बाहर मुल्क चली जाऊँगी ऐसा देखें दौलत तो ज़रूर औरत के नसीब में है लेकिन आपके आदमी जो शादी की लकीर है ना वो कई शाखा है और दो शाखा होना भी ये होता है कि अलहदगी होना या टेंशन होना या दिमाग का ना मिलना मिजाज का ना मिलना सोच का ना मिलना ऐसी शादियाँ अमूमा जो न वो नाकाम होती इसमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती कि आप बाहर चली जाएंगे ऐसा होगा ऐसा कुछ नहीं है हसरत खान ने सवाल किया तरबेला डैम से कि मेरे हाथ में कोई दौलत की लकीर है कि नहीं आपके हाथ में दौलत की लकीर भी है कामयाबी की भी है और किस्मत की भी लकीर अच्छी है बहरहाल आप कोशिश किया करें जितना ज़्यादा हाँ हो सकता है लाई ला महमद रसल्ला का वजीफ़ा करें आपके हाथ में बेहतर होगा अनमन सवाल के कसूर से कि मेरे दोनों हाथों में ज़िंदगी की लकीर पैंतीस साल की उम्र में कटी हुई है और किसी को बताया था तो उसने कहा कि तुम जल्दी जानी फोत हो जाओगी या जल्दी मर जाओगी ये कहा था देखें बेटा सबसे पहली बात तो यह है कि ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है और अल्लाह ही ज़िंदगी मौत के बारे में बेहतर जानने वाला है और बेहतर जानता है रही बात ज़िंदगी कम होना ज़िंदगी कम है या ज़्यादा है या अल्लाह बेहतर जानता है बहर सदका दिया करें आपके लिए अच्छा होगा और इसके अलावा कोशिश किया करें कि सुर अखलास सुर अखलास को तीन सौ तेरह मरतबा अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाए बहुत सी परेशानियों से बहुत से मसाइल से आप निकल जाएंगी ज़िंदगी की लकीर का टूटने से मुराद मौत नहीं होती क्योंकि मौत सिर्फ़ अल्लाह के हाथ में है और ये जो इशारे होते हैं कि बंदा सदका दे दे ताकि मुसीबत और परेशानी से निकल आए बाहर तो सदका हजब तोफ़ी दे सके किसी को मुस्कुरा के देखना भी सदका है ठीक है ना? अपने वो कपड़े जो आप इस्तेमाल नहीं करते वो भी दे सकते हैं गोश्त जो है वो भी दे सकते हैं कोई भी चीज़ आप दे सकते हैं वो आपके हक में बेहतर रहेगी मोहम्मद आसम ने सवाल किया बहरीन से कि मैं शादी करके बहरीन आया हूँ लेकिन यहाँ ना कोई काम चल रहा है ना कोई सिलसिला ये बताएँ कि आगे क्या होगा प्यारे दोस्त ये दो या ढाई महीने थोड़े सख्त होंगे इसके बाद इन आपके हालात बेहतर हो जाएंगे इसमें घबराने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अल्लाह से रुझू करें कोशिश करें नमाज़ की पाबंदी करें अल्लाह रहम करेगा और मुश्किलों से निकल आएंगे अरिबा ख़ान ने सवाल किया कराची से कि मेरी शादी की दूसरी जो पोजीशन है वो कैसे रहेगी देखें पहले वाली शादी की लकीर की शादी की जो लकीर है वो मोड़ रही थी तो उसका मतलब यह कि जो शादी का पीरियड था वो ख़त्म होगा ना चलने वाला लेकिन दूसरी शादी की लकीर जो ना ये अल्लाह के फजल से अच्छी है और ये चलने वाला पीरियड है तो उसमें आने वाला वक्त भी इन शाला अच्छा होगा और नया साल भी आपके लिए बहुत सी खुशखबरियाँ लेकर आएगा इसके साथ ही इजाज़तें मिलते हैं अगले प्रोग्राम में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़